हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 11 प्रॉब्लम ऑन मेजरमेंट प्रॉब्लम सेट 46 देखने वाले हैं। ऐड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐड ऐड किसको किसको करना है? रुपीस को फर्स्ट नंबर के रुपीस एंड पैसे से, एक नंबर के रुपीस एंड पैसे में हमें ऐड करना है। सो देखो, यहाँ पे रुपीस कितने हैं? 9 रुपीस, पैसे है 15, 14 रुपीस है, पैसे है 16। सो 9 रुपीस, 15 पैसे, 14 रुपीस, 60 पैसे ऐड कर लेते हैं। 50 प्लस 60 हो गए 110। सो 110 पैसे हो गए। सो आपको पता है 100 पैसे का 1 रुपीज़ होता है। सो इन 110 पैसे में से 100 पैसे हम निकाल लेते हैं, उसका कन्वर्जन हम करते हैं रुपीज़ में। 110 पैसे इक्वल टू 100 पैसे, 100 पैसे प्लस 10 पैसे, यहाँ पे पैसे आ जाएंगे। ओके, अभी 110 पैसे इज इक्वल टू 100 पैसे का 1 रुपीज़ और 10 पैसे एज इट इज। अभी हम इस रुपीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, 9 प्लस 14 23 हो जाएंगे, और ये जो 1 पैसा उसमें हम ऐड कर लेते हैं, सॉरी 1 रुपीज़ है ये, उसमें ऐड कर लेते हैं, 24 रुपीज़ हो जाएंगे। अभी ये 24 रुपीज़ और यहाँ पे 10 पैसे ही रहेंगे, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 24 लिखा है। सो आया समझ में? 10 पैसे का 1 रुपीज़ होता है। सो ये 10 पैसे से ज़्यादा रुपीज़ है ना, उसमें हम क्या कर लेते हैं, 100 पैसे 1 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये वो जो रुपीज़ है इसमें ऐड कर लेते हैं। सो क्या हो जाएंगे, 24 रुपीज़ 10 पैसे। सो आंसर आया 24 रुपीज़ 10 पैसे। अभी एग्जांपल नंबर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर ऑफ 5 मिलीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऑफ 9 मिलीमीटर, यहाँ पे प्लस नहीं है, गलती से हो गया। ओके, यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, 6 में 7 ऐड करना है, 5 मिलीमीटर में 9 मिलीमीटर ऐड करना है, 5 में हम 9 ऐड कर लेते हैं। सो 5 प्लस 9 हो जाते हैं 14 मिलीमीटर। सो आपको पता है 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, सो इसलिए ये 14 मिलीमीटर जो है ना, 14 मिलीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर में हमने कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। सो ये 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमने इस 10 मिलीमीटर को, और ये सेंटीमीटर हम ऐड करते हैं सेंटीमीटर के कॉलम के नंबर में। ओके, अभी सो यहाँ पे मिलीमीटर कितने रहेंगे, सिर्फ 4 मिलीमीटर रहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा, और 6 प्लस 7 होते हैं 13, और ये जो 1 सेंटीमीटर ये इसमें ऐड कर लिया, ये हो जाएंगे 14। ओके, सो 14 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। अभी थर्ड एग्जांपल, 22 मीटर 50 सेंटीमीटर, 25 मीटर 75 सेंटीमीटर, मीटर का कॉलम सेंटीमीटर का कॉलम, 50 सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर ऐड करना है, 22 मीटर में 25 मीटर ऐड करने हैं। सो 50 प्लस 75 कितने हो गए, 125 हो गए, और आपको पता भी है कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए हमने इस 125 में से 100 जो सेंटीमीटर है उसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में। ओके, सो इसीलिए ये 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर यहाँ पे रह गए। अब इस 1 मीटर को हम ऐड कर लेते हैं इस मीटर के कॉलम में, ये 22 प्लस 25 होते हैं 47, 47 और ये जो 1 मीटर है ये हो गए 48 मीटर। ओके, ये भी मीटर हमने उसमें ऐड कर लिया, सो फाइनल आंसर आया है 48 मीटर 25 सेंटीमीटर। एग्जांपल नंबर 4, 15 किलोमीटर 740 मीटर प्लस 13 किलोमीटर 950 मीटर, किलोमीटर मीटर का कॉलम 15 30 740, अभी पहले हम मीटर की एडिशन करते हैं, 740 950 उनकी एडिशन आ गई 1690 मीटर, और आपको पता भी है 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, सो ये 1690 में से हम 1000 क्या कर देते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 1000 का 1 किलोमीटर होता है। सो इसमें से हमने 1000 कम किए और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो ये किलोमीटर की एडिशन हम इसमें कर लेंगे, और यहाँ पे कितने मीटर रह जाएंगे, सिर्फ 690 मीटर रह जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 690 मीटर लिखा है, और ये 1 किलोमीटर को क्या कर दिया, कैरी दे दिया है। 15 प्लस 13 प्लस 1 हो गए 29, सो आंसर क्या आया है, 29 किलोमीटर 690 मीटर। अभी एग्जांपल नंबर 5 है, 25 किलोग्राम 650 ग्राम, 29 किलोग्राम 770 ग्राम। सो ये किलोग्राम ग्राम का कॉलम है, ग्राम में है 650 प्लस 770,
सो 650 ग्राम इक्वल टू 1420 ग्राम हो गए। सो इस 1420 ग्राम में से 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, इसीलिए इसमें से हमने 1 किलोग्राम को क्या कर दिया, साइड में निकाल लिया, यानी कि 1000 ग्राम को साइड में और रिमेनिंग 420 साइड में, इन दोनों की भी एडिशन क्या आती है, 1420 आती है। सो ये 1000 जो है ये किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया, इस किलोग्राम को हम क्या कर देते हैं, इस साइड में यहाँ पे कैरी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम हो रहा था, सो वो उस 1 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे अभी कितने ग्राम रह गए, 420 ग्राम रहे। सो 420 और यहाँ पे क्या है, 25 प्लस 29 और प्लस 1, उसकी एडिशन आ गई 55। सो 55 किलोग्राम 420 ग्राम। यहाँ पे 6 नंबर एग्जांपल, 19 लीटर 840 मिलीलीटर प्लस 25 लीटर 250 मिलीलीटर। लीटर मिलीलीटर का कॉलम, पहले मिलीलीटर की एडिशन कर लेते, 840 प्लस 250, इसकी एडिशन आ गई 1090, और लीटर की एडिशन आ गई 19 प्लस 25 44 ही है यहाँ पे, और कैरी 1 दिया तो 45 हो जाएंगे। सो 45 कैरी 1 कैसे आ गए, सो देखो यहाँ पे इनकी जो मिलीलीटर की जो एडिशन है 1090 है। सो 1090 में जो 1000 है वो 1000 ml का क्या होता है, 1 लीटर होता है। सो यहाँ पे ml है, इस 1000 ml का 1 लीटर होता है। सो इसमें से हमने 1000 निकालिए, वो लीटर में लिखा और 90 रह गए एज इट इज़। और ये लीटर जो है, हम इस लीटर के कॉलम में यहाँ पे जो कैरी दिया है 1, ये जो ये 1 यहाँ से आया है, ओके। सो ये 1 लीटर प्लस 90 ml, सो 90 ml यहाँ पे लिखा लीटर के कॉलम में, और 1 लीटर को यहाँ पे सेंड कर दिया कैरी देने के लिए। तो ये 1 कैरी लेकर यहाँ पे हो गए 45। सो फाइनल आंसर क्या आया है, 45 लीटर एंड 90 मिलीलीटर, ओके। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्शन करना है रुपीज़ पैसे का। देखो रुपीज़ कितने हैं, 19, पैसे है 50, रुपीज़ है 12, पैसे है 60। सो रुपीज़ के कॉलम में रुपीज़, पैसे के कॉलम में पैसे। सो यहाँ पे क्या है, 50 में से हमें 60 पैसे सब्सट्रैक्ट करने, सो होते हैं क्या, नहीं होते। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से कैरी ले लेते, यहाँ रह जाएंगे 18 रुपीज़, और 1 रुपीज़ हम यहाँ पे ले रहे, 1 रुपीज़ ले रहे मीन्स 100 पैसे ले रहे। सो 100 प्लस ये 50, 100 प्लस 50 हो गए 150 पैसे, ओके। ये 100 कहाँ से लाए, यहाँ से हमने 1 रुपीज़ कैरी ले लिया है, मीन्स 100 पैसे कैरी ले लिए। तो ये पैसे का कॉलम है, सो 1 रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया, 100 प्लस ये 50, 150 हो गए। अभी हम करते हैं 150 में से 60 सब्सट्रैक्ट, तो कितने रह जाएंगे, 90 पैसे रह जाएंगे। ये 90 पैसे, अभी 80 में से 12 सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ रह गए 6, ओके। अभी यहाँ पे आंसर क्या है, 6 रुपीज़ 90 पैसे। सो रुपीज़ 6, पैसे 90, ये हमारा फाइनल आंसर आया। सेकंड एग्जांपल, 24 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। सेंटीमीटर का और मिलीमीटर का कॉलम बनाना है। सो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर हमें सब्सट्रैक्ट करने हैं और 2 में से 8 सब्सट्रैक्ट करने हैं। सो पता है आपको 2 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, सो हमें कैरी लेना होगा, यहाँ रह जाएंगे 23, यहाँ हो जाएंगे 12। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से 1 ले लिया है, ये जो सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर में, ये 1 सेंटीमीटर कैरी ले लिया मीन्स व्हाट, 10 मिलीमीटर कैरी ले लिए, ओके 10 मिलीमीटर प्लस ये 2, 10 प्लस 2 हो गए 12 मिलीमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिखा है, ओके। वे 12 में से हम 8 सब्सट्रैक्ट करते रह जाएंगे 4, और 23 में से 3 सब्सट्रैक्ट किए रह जाएंगे 20। सो फाइनल आंसर क्या आया है, 20 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। यहाँ पे थर्ड नंबर एग्जांपल, 20 मीटर 30 सेंटीमीटर 17 मीटर 60 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर का कॉलम, यहाँ पे 20 में से 17 सब्सट्रैक्ट करें, 30 में 16 सब्सट्रैक्ट करने होते हैं क्या, 30 में 16 नहीं, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, 1 कैरी ले लेते हैं, यहाँ रह जाएंगे 19, और यहाँ 1 मीटर ले लिया मीन्स व्हाट, 100 सेंटीमीटर लिए। सो 100 इससे लिए हुए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर प्लस ये 30, 100 प्लस 30 130 हो गए। सो अभी हम 130 में से 60 सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो यहाँ रहेंगे 70, 90 में से 17 सब्सट्रैक्ट किए तो 2 रहेंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अभी एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे 40 किलोमीटर 225 मीटर, 17 किलोमीटर 960 मीटर। सो किलोमीटर मीटर का कॉलम,
इसमें क्या है, 40 में से 17 किलोमीटर सब्सट्रैक्ट करने हैं, 225 में से 960 सब्सट्रैक्ट करने हैं। सो होते हैं कि 225 में से 960 नहीं, तो हम यहाँ से कैरी ले लेते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर कैरी लेना मीन्स वॉट, 1000 मीटर कैरी लेना है। सो ये 1000 प्लस ये 225, 1225 मीटर हो गए। सो अभी हम 1255 में से 960 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सो 295 आंसर आ जाएगा। और 39 में से 17 सब्सट्रैक्ट करें तो 22 आंसर आ जाएगा। सो आंसर क्या है, 22 किलोमीटर 295 मीटर। फाइव नंबर एग्जांपल, 35 किलोग्राम 150 ग्राम, 26 किलोग्राम 470 ग्राम किलोग्राम ग्राम। 35 में से 26 सब्सट्रैक्ट करना है, 150 में से 407 सब्सट्रैक्ट करना है। होते हैं कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से 1 कैरी लेना होगा। सो 1 किलोग्राम कैरी ले रहे मीन्स वॉट, 1000 ग्राम कैरी ले रहे। तो 1000 ग्राम प्लस ये 150 ग्राम 1150 ग्राम हो गए। तो 1150 में से हम क्या करेंगे, 470 सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो कितने रह गए, 680 रह गए। और 34 में से 26 सब्सट्रैक्ट हो गए, 8 रह गए। सो फाइनल आंसर आया है 8 किलोग्राम 680 ग्राम। अभी सिक्स नंबर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है, 46 लीटर 200 मिलीलीटर, 38 लीटर और 750 मिलीलीटर, लीटर मिलीलीटर का कॉलम। 46 में 38 ml सब्सट्रैक्ट करने हैं, सॉरी 46 लीटर में से 38 लीटर सब्सट्रैक्ट करने हैं और 200 ml में से 750 ml सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो 200 में से 750 होते हैं कि सब्सट्रैक्ट नहीं होते। सो यहाँ से हम कैरी लेते हैं, यहाँ रह जाएंगे 45, यहाँ आएंगे ये 1000। 1 लीटर लिया है मीन्स और 1000 मिलीलीटर लिया है। सो 1000 मिलीलीटर प्लस 200 ml हो गए। 1200 ml में से 750 सब्सट्रैक्ट करते हैं, 450 रहेंगे और 45 में से 38 सब्सट्रैक्ट किए 7 रहेंगे। सो फाइनल आंसर आया 7 लीटर 450 मिलीलीटर। ओके, सो आपको हमारा वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगती लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।